हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चेहरे को गोरा करने के लिए आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर आई हूँ, ये आपके चेहरे को इतना तेज़ी से गोरा कर देगा कि आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ इस तरह का चमत्कार कैसे हुआ है। इस चमत्कार को करने के लिए आपको यहाँ पे लेना होगा मैदा। आपको फ्रेंड्स थोड़ी सी क्वांटिटी में मैदा लेना है और उसका अपने फेस पर यूज़ करना है। इसका यूज़ करने के लिए आपको एक क्लीन बोल लेना होगा। इसके बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा मैदा। आपको फ्रेंड्स सिर्फ इसमें आधे चम्मच के लगभग मैदे को यूज़ करना है। आधा चम्मच ही फ्रेंड्स मैदा आपके चेहरे को इतनी तेज़ी से गोरा कर देगा कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि ये चमत्कार आपके साथ हुआ कैसे है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें ऐड कीजिएगा कॉफ़ी पाउच। कॉफ़ी के अंदर मौजूद फ्रेंड्स तत्व हमारे चेहरे पर जब लगते हैं तो ये हमारे चेहरे पर चार चांद लगा देता है। यानी फ्रेंड्स ये देखने में काला ज़रूर होता है, लेकिन जब हम इसको अपने चेहरे पर लगाते हैं तो ये हमारे चेहरे से पूरे कालेपन की परत को हमेशा के लिए अपने कालेपन में मिलाकर उसे हटा देता है। फ्रेंड्स कॉफ़ी के अंदर बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे चेहरे को गोरा करने के लिए बहुत ही काम आती है। आपको फ्रेंड्स इसमें एक कॉफ़ी का पाउच यूज़ करना है। जब हमारे चेहरे पर ओपन पोर्स हो जाते हैं, काले दाग धब्बे हो जाते हैं, तो आप कॉफ़ी का यूज़ ज़रूर करके देखें। ये आपके चेहरे को कितनी तेज़ी से गोरा करेगा और कैसे आपके काले दाग धब्बों को हल्का करेगा, कैसे आपके काले दाग धब्बों को धीरे धीरे गायब करेगा। आप फ्रेंड्स इसे अपने चेहरे पर यूज़ कर ही इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको फ्रेंड्स कॉफ़ी पाउडर इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करना होगा। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपको इसका कलर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जब फ्रेंड्स आप इसमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आपको लेना होगा एक टमाटर। टमाटर के आपको दो हिस्से कर लेने होंगे। इस तरह से आप टमाटर के दो हिस्से कर लीजिएगा और आपको इसके दोनों ही हिस्से का यूज़ करना है। दोनों हिस्सों का यूज़ कैसे करना है? दोनों ही फ्रेंड्स आपको अपने चेहरे पर एक ही तरह से यूज़ करना है। यानी कि फ्रेंड्स आपको इस पेस्ट को अपने टमाटर के ऊपर इस तरह से लगाकर इसका यूज़ करना होगा। इस पेस्ट को टमाटर पर अच्छे से लगाने के बाद फ्रेंड्स आप इसकी मसाज अपने चेहरे पर कीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसकी मसाज अपने चेहरे पर सर्कुलर मोशन में कीजिएगा। आपको इस मसाज को तब तक करना है जब तक फ्रेंड्स टमाटर के अंदर का पूरा रस निकल नहीं जाता है, तो तब तक आप इसकी मसाज अपने चेहरे पर करते रहिएगा। जब फ्रेंड्स टमाटर के अंदर का पूरा रस आपकी स्किन में समा जाएगा तो आपको टमाटर का दूसरा हिस्सा लेना है और उसकी मसाज भी अपने चेहरे पर करनी है। चाहे ये मसाज 20 मिनट हो या 25 मिनट हो, आपको कंटिन्यू इसका मसाज अपने चेहरे पर करना होगा। बीच बीच में फ्रेंड्स आप इसे एक मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से फ्रेंड्स ये आपकी स्किन के अंदर तेज़ी से समाता चला जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स टमाटर की मसाज करने से टमाटर के अंदर का पूरा हिस्सा हमारे चेहरे पर इस तरह से लग जाएगा। जब फ्रेंड्स ये इस तरह का हो जाएगा तो आपको दूसरा हिस्सा इसका यूज़ करना है और उसे भी फ्रेंड्स इस तरह से डीप करके अपने चेहरे पर मसाज करनी है। आप इस मसाज को कीजिए और फ्रेंड जब इस मसाज को पूरा कर चुके होंगे तो दोबारा से फ्रेंड्स आप इसे अपने चेहरे पर एक मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। और जब एक मिनट पूरा हो जाएगा तो आप अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपके चेहरे में कितनी चमक आ गई है और आपके चेहरे पर जो झुर्रियां की समस्या थी, हल्की आपकी स्किन ढीली पड़ गई थी, वो भी टाइट हो जाएगी। और साथ ही साथ आप जो देखकर सबसे ज़्यादा हैरान होने वाले हैं वो है आपके चेहरे का रंग। आपके चेहरे का रंग ऐसा हो जाएगा कि आप उसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप इसका यूज़ कीजिए और अपने चेहरे को हमेशा के लिए सुंदर और गोरा बनाइएगा। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।